अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इमरान अखरोटा हेयर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज का हमारा 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का 3rd लेक्चर है और टोटल 9th मैथमेटिक्स का हमारा 14th लेक्चर है। और आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में जो इसका प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी वाले पार्ट्स कर लिए थे, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6th पार्ट है इसमें हम करेंगे क्या। इसमें वो कहता है कि शो दैट स्क्वायर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। हमने इसको स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो जब स्क्वायर रूट वाले नंबर आ जाएं, आप लोगों ने जो स्क्वायर रूट वाले हैं नंबर उनको नंबर लाइन पे शो करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करते हैं, जैसे पहले वाले नंबर थे उनमें तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखते थे, न्यूमरेटर को हम कम रखते थे, डिनोमिनेटर को हम ज़्यादा रखते थे। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा होता था तो हम उसको डिवाइड कर लेते थे एज ए होल फॉर्म में, फिर उसकी फ्रैक्शन फॉर्म को नंबर लाइन के ऊपर शो कर देते थे। जब नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएंगे तो उनको हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे शो करते हैं, तो वो कहते हैं वी कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एओबी वेयर मेजरमेंट ओए इज इक्वल टू 2 एंड अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीए ऑफ 1 यूनिट। इसको मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने बनाने हैं 5 यूनिट्स। तो ये वाले जो 2 हैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये बन जाएगा 2 2 4 और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 प्लस 1 5, क्योंकि मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो ये कहता है कि बेस का स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये वाली जो चीज है स्क्वायर रूट 5 ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। किस तरह से इसको हम किस तरह से शो कर रहे हैं, हमने एक ओ से लेकर ए तक की लेंथ को मैंने 2 कह दिया है, ए से लेकर बी तक की लेंथ को मैंने 1 कह लिया। ये 2 यूनिट्स हैं, ये 1 यूनिट्स हैं। अगर हम बात करें, मैं कहता हूं कि टेकिंग पॉइंट ओ एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ओबी, इट कट्स द नंबर लाइन एट पॉइंट एम दैट इज मेजरमेंट ऑफ ओ एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ये वाले यहां से मैंने बी के ऊपर एक आर्क लगाई है और वो जो आर्क मैंने ली है वो मैंने एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर की ले ली है आर्क को। स्क्वायर रूट 5 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो वो जो है वो यहां पे भी इसी तरह से बन जाता है, 2 से ज्यादा 3 से कम। तो जो लेंथ यहां से ओ से लेकर बी तक की है वही इक्वली अगर हम नंबर लाइन के ऊपर बात करें तो वो यहां तक जाती है। तो मैंने तो यहां से ओ से लेकर ए तक 2 कह दिया है, ए से लेकर बी तक परपेंडिकुलर लेंथ को 1 कह लिया है, क्योंकि मैं राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल के ऊपर होता है। तो वो कहता है मेजरमेंट ऑफ ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए का स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम से ये चीज आ गई। तो मेजरमेंट ऑफ ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए 2 है 2 का स्क्वायर, ये 1 है 1 का स्क्वायर, 2 टू 4 प्लस 1 5, और जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये बन जाएगा ओ बी स्क्वायर रूट 5। तो ये हमने शो कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। इस तरह के नंबर्स को आप लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। ये एक ही ऐसा नंबर है स्क्वायर रूट वाला जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/9। उसने कहा था कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इसके दो मेथड हैं, एक तो इसका मेथड ये है क्योंकि उसने एक रैशनल नंबर पूछा है इन दो नंबर्स के दरमियान, एक तो इसका मेथड ये है कि हम इसको 3/4 को नंबर लाइन पे शो करें, 5/9 को भी नंबर लाइन पे शो करें, दोनों ही 0 और 1 के दरमियान आते हैं। जब हम इन दोनों को नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं तो 0 और 1 के दरमियान और बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो वो 3/4 और 5/9 के दरमियान में से कोई भी एक नंबर हम उठा लेते हैं। लेकिन हम एक आसान सा मेथड है, हम इन बिटवीन दीज टू 3/4 एंड 5/9 यू फाइंड कर लेते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2। जो मिड पॉइंट होता है वो यही होता है कि 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। तो 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाई 2 मैंने लिख दिए। तो आप लोगों ने ये एलसीएम लेना 7th क्लास में सीखा था, तो मैं आप लोगों को ये ज़्यादा आसानी से समझा देता हूँ कि आप लोग जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो आप लोग ये देखते हैं कि जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इस डिनोमिनेटर को पहले से मल्टीप्लाई कर दूंगा और पहले के डिनोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 9 को ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, और 4 को यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी, मतलब कि न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 9 27, 4 9 36, 3 को 9 से ज़रब दी तो 27 बन गया, 4 को 9 से ज़रब दी तो 36 बन गया। यहाँ पे 5 4 20 एंड 9 4 36।
तो डिनोमिनेटर जब दोनों का सेम हो जाए तो सिंपली नोमिनेटर्स को हम ऐड कर देते हैं, नोमिनेटर 20, 27 ऐड होंगे तो 47 हो जाएगा, 47/36 मल्टीप्लाइड बाई डिवीजन में है 2/1 क्योंकि ये 2 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2/1 है और आपको पता है कि जब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1/2 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आजकल आता है 72, तो ये बन गया 47/72, ये हमारा आंसर आ गया, ये इसके दरमियान में एक नंबर फाइंड हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, रिकरिंग रैशनल नंबर्स हैं तो आपने इनको करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में कहता ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये जो रिकरिंग रैशनल नंबर्स हैं आप लोगों को पता है कि जो रिकरिंग रैशनल नंबर्स होते हैं वो रिकरिंग नंबर्स रिकरिंग डेसिमल्स नंबर्स होते हैं वो रैशनल ही होते हैं, तो हमने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स में से आते हो, तो मैं आप लोगों को इसके एम सी क्यूज की बात बता दूंगा क्योंकि इसमें से एम सी क्यूज भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 बार जिसके ऊपर नंबर के ऊपर बार होता है इसका मतलब है वो वाला नंबर रिपीट हो रहा था क्योंकि ये रिकरिंग है, 5 पे है तो इसका मतलब है ये वाला नंबर 5 रिपीट हो रहा है। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लूंगा x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.5 बार, ये 5 बार को मैं लिख सकता हूँ 0.5555 एंड अप टू सो ऑन क्योंकि 5 इज रिपीटिंग। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से क्योंकि इसका पॉइंट खत्म करें तो 10 आता है, और अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तीन डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड सो ऑन। हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0.555 सो ऑन था, एक नंबर रिपीट हो रहा था, ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग सो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, हम लिहाजा दोनों तरफ 10 से जरब दे देते हैं इस तरफ भी और इस तरफ, यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 10x इज इक्वल टू 0.555 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 5.555, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0.555 है तो ये बन जाएगा 5.5555 जब मल्टीप्लाई किया है 10 से। फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसका डेसिमल पार्ट अलग कर सकता हूँ और होल पार्ट्स को अलग कर सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 5+0.5555 एंड सो ऑन। मैंने क्या किया है कि पॉइंट से पहले वाला नंबर जो होल फॉर्म में था उसको अलग कर दिया, जो डेसिमल फॉर्म का नंबर था उसको मैंने अलग कर दिया, सिंपल सी बात है। ये जो नंबर है 0.555 ये तो इक्वेशन 1 से x के इक्वल है तो इसको मैंने x कह दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये बन गया 10x इज इक्वल टू 5+x, ये वाला जो प्लस का एक्स इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो 10x-x 9x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5/9, तो ये था 0.5 बार तो इसका आंसर आ गया 5/9, 5 भी रेशनल है 9 भी रेशनल है, तो ये हमारा इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है और ये एज ए होल 5/9 रेशनल नंबर बन गया, तो यही उसने कहा था कि एक्सप्रेस दिस नंबर एज ए रेशनल नंबर वेयर पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर, तो ये दोनों इंटीजर में से आते हैं। नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें 0.13 का बार है और थर्ड पार्ट में 0.67 बार है, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम ऑन द सेम लाइंस ऐसे ही करना है, सिर्फ नंबर तब्दील होंगे, यहाँ पे 67 है वहाँ पे 13 आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप x की को लेट करेंगे, देखेंगे कि इसके स्टेप और इसके स्टेप बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, सबसे पहले आपने इसको x की इक्वल फर्ज कर लिया, उसके बाद आपने कहा कि x इज इक्वल टू 0.67667 एंड अप टू सो ऑन क्योंकि ये 67 के ऊपर बार था, इट मींस दैट कि 67 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा था अगेन एंड अगेन, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं 0.67667 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 100 एज टू डिजिट्स रिपीटिंग, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा था तो हम मल्टीप्लाई करते थे 10 से, जब दो डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड, जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 100x और ये बनेगा 67.67667 एंड सो ऑन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 67.67 बिल्कुल सेम। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका होल पार्ट अलग करते हैं और डेसिमल पार्ट अलग करते हैं तो ये बन जाएगा 67+0.67667 एंड सो ऑन। ये वाला जो नंबर है 0.6767 ये तो हमारे पास वही x बन गया तो ये बन गया 67+x सेम ऑन द सेम लाइंस, इस x को इधर आके माइनस करता हूँ तो 100x-x 99x और ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो 67/99। तो इसमें MCQs की बात ये है कि वो आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन दे दे MCQs के लिए 0.67 बार और आपको कहे कि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर्स में वो क्या होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला जो नंबर रिपीट हो रहा होता है अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर 9 डिवाइड, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उसी के ऊपर 99 डिवाइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा था तो इसका आंसर आया था 5/9,
यहाँ पे दो डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर आया था 67/99। अगर तीन डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो उसका आंसर आएगा 666/999, 3×9 आ जाएगा। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास जो दूसरा पार्ट है इसका 0.13, तो उसमें क्या आएगा 13/99, तो वो भी इसी तरह से ही हो जाएगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आने वाला। ये हमारी थी एक्सरसाइज 2.1 और 2.1 के यही वाले क्वेश्चन थे। अब मैं आप लोगों को 2.2 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, क्योंकि उसमें आपके पास थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अक्सर वो पढ़ाई नहीं जाती तो आप लोगों को वो फिर एक्सरसाइज छोड़नी पड़ती है। लेकिन आप लोगों ने वो एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। उसका टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कमुटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको आप कोलाइजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं, इसमें प्रॉपर्टीज आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। मैं पहले कह देता हूँ प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलें या क्लोजर प्रॉपर्टी बोलें। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आता क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हों अलग अलग, मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ये वाला जो सिंबल है ये है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर हमारे पास दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं तो उनको जमा करें तो भी एक रियल नंबर बनता है। इसकी रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल 2, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 2+3 करते हैं तो उसका आंसर भी रियल लाइन में ही बिलोंग करता है, 2+3 5 आ जाता है और वो भी रियल लाइन के ऊपर ही होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है कमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कमुटेटिव प्रॉपर्टी, और कमुटेटिव प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल सी है। आप लोगों को पता है कि मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं अगर उनको हम इंटरचेंज करें, मतलब बी में ए ऐड करें या ए में बी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं कि फॉर ऑल, इसकी भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, फॉर ऑल 5, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 5 और 3, तो अगर हम इनको जमा करें, 5 + 3 करूं या 3 + 5 करूं, 5+3 8 एंड 3+5 also 8, तो कमुटेटिव प्रॉपर्टी रियल लाइन में होल्ड करती है। कमुटेटिव प्रॉपर्टी के बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास तीन नंबर्स आ जाते हैं और तीन नंबर्स को सम करने से, वो कहता है कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जी बेटा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों ने करना क्या है, मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कि पहले ए और बी को ऐड करके फिर सी ऐड करें या पहले बी और सी को ऐड करके फिर ए में ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एग्जांपल एक सिंपल सी हम उठा लेते हैं, फॉर ऑल 2, 3, 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो मैं इसको यूं कर देता हूं, 2+3+5 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाता है 2+3+5। तो यहां पे अगर आप गौर करें, 2+3 5, 5+5 10, और यहां पे देखिए 3+5 8, 8+2 10,
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और देन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के जो लेक्चर था उसमें भी बताया था। मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए जीरो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सॉरी ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, कि ए में जीरो ऐड करें या जीरो में ए ऐड करें तो उसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। तो ये वाला जो नंबर है जीरो, सो जीरो इज एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो नंबर है जीरो, इसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हमारे पास ये जो नंबर जीरो है ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसी तरह एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, उसमें भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिंपल सी बात है। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स जो होता है, एडिटिव इनवर्स की बात हम कर रहे हैं, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, वो कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस इंटू माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, के हर नंबर के लिए एक नेगेटिव नंबर रियल लाइन में मौजूद होता है कि उसको ऐड करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाता है, वो वाला जो नंबर होता है वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास ए एंड माइनस ए आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। माइनस ए का ए एडिटिव इनवर्स है, ए का माइनस ए एडिटिव इनवर्स है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको दूसरे नंबर में ऐड करें और उसका आंसर जीरो आ जाए, जैसे फाइव है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस फाइव है, टेन है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस टेन है, हंड्रेड है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस हंड्रेड होगा। ये हमारे पास पांच प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ऑन द सेम लाइन इसी तरह की पांच प्रॉपर्टी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें भी किसी किस्म का कोई मसला पेश आने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो वो बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में अब अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी, उसी तरह से क्लियर प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, कि अगर कोई भी दो नंबर हो उनको मल्टीप्लाई करें तो भी एक नंबर रियल लाइन में से ही आएगा। कोई से दो अलग अलग रियल नंबर्स लें उनको मल्टीप्लाई करें तब भी रियल नंबर आएगा। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं टू थ्री, जिस तरह से हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी टू थ्री, तो टू प्लस थ्री रियल, टू थ्री बिलोंग्स टू रियल नंबर, टू थ्री आर सिक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो अलग अलग रियल नंबर हों मल्टीप्लाई करें तो भी एक रियल नंबर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको हम कह देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह से है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी करें या बी ए करें उसका आंसर बराबर आता है। मतलब 5 और 2 हम उठा लेते हैं कोई से दो नंबर 5 2, तो 5 2 आर 10 एंड 2 5 आर 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें आंसर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से थर्ड आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों को अभी मैंने बताया कि तीन नंबर हम चूज कर लेते हैं। यहां पे मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, अगर हम कहें ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू
20 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कौन से दो नंबर, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करें या दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करके फिर पहले से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जैसे वहां पे एडिटिव आइडेंटिटी थी, यहां पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट ए डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट ए इज इक्वल टू ए। कि ये वन ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी की बात बताई थी और एडिटिव इनवर्स की बात बताई थी, तो वहां पे हम क्या करते थे कि ऐसा नंबर जिसको उसमें ऐड करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, और यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जिसको उसमें मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट वन ओवर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट ए डॉट वन ओवर ए इज इक्वल टू वन ओवर ए डॉट ए इज इक्वल टू वन। ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, 5 है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ओवर 5 होगा, 10 है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ओवर 10 होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं और दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको पढ़ लेना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को याद होंगी तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, तो इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये होती है कि हर नंबर अपने बराबर होता है। मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ए इज इक्वल टू ए, हर नंबर अपने बराबर होता है और इस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए इज इक्वल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टी इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज के नाम भी याद होने चाहिए और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी याद होनी चाहिए ताकि एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकें। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, इसमें हमारे पास वो कहता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं ए बी और सी, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी कह रहा हूँ, ए बी या ए सी कह सकते हैं, ए डी कह सकते हैं, कोई से भी दो नंबर ले सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए, पहला नंबर अगर दूसरे के बराबर है तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर पहले नंबर के बराबर होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और उसमें आपके पास तीन नंबर आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आपने कोई से तीन नंबर उठा लेने हैं। मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, कि अगर पहली चीज दूसरी की इक्वल है, दूसरी तीसरी की इक्वल है, तो तीसरी और पहली आपस में बराबर होंगी, इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है
कैंसलेशन प्रॉपर्टी, उसमें मैं आप लोगों को यहीं से बता देता हूँ कैंसलेशन प्रॉपर्टी में क्या करना है कि अगर आपके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी में कोई एक ही नंबर दोनों तरफ से अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की, एक ही नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चले मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। कैंसलेशन प्रॉपर्टी में कहता है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल टू बी। ये जो दोनों तरफ सी है इसको अगर आप कैंसिल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दोनों तरफ ऐड हो रहा था, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसी तरह से है कि किसी एक ही नंबर से पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर if a is equal to b then ac is equal to bc, के दोनों तरफ किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी के बाद, नेक्स्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन थी, उसमें आप दोनों तरफ से नंबर्स को कैंसिल कर सकते थे। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो यहाँ से बी सी हटा दें, यहाँ से बी सी हटा दें। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं और कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी में जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें अगर आप बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी इसको ट्रिचोटॉमी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मैं इसको ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ही कहता हूं। तो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी में कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, कि इनमें तीन ही प्रॉपर्टीज में इसमें हो सकता है कि या तो ये इसके लेस है या इसके ग्रेटर है या इसके इक्वल है। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इधर ही से पढ़ा देता हूँ क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज आप पहले इक्वालिटी में पढ़ चुके हैं। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, पार्ट ए में कहता है कि ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी, कि पहली चीज़ दूसरी से छोटी है, दूसरी तीसरी से छोटी है तो ऑब्वियसली बात है कि पहली चीज़ तीसरी से छोटी होगी। और इसी बात को अगर हम ग्रेटर में कह दें कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ए इज़ ग्रेटर देन सी, कि अगर पहली चीज़ दूसरी से बड़ी है, दूसरी तीसरी से बड़ी है तो पहली चीज़ तीसरी से बड़ी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी के, अगर आपके पास ए लेस देन बी है तो दोनों तरफ किसी नंबर से ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों तरफ किसी एक नंबर को ऐड करने से भी इनइक्वालिटी तब्दील नहीं होगी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर इफ सी ग्रेटर देन जीरो, अगर ए ग्रेटर देन बी है और किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी ग्रेटर ही रहेगी, और अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस है तो वो लेस ही रहेगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव नंबर है तो किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करने से तब्दील हो जाती है इनइक्वालिटी। फॉर एग्जांपल इफ ए लेस देन बी ए सी ग्रेटर देन बी सी इफ सी लेस देन जीरो, किसी भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बात करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी की, अगर ए लेस देन बी है तो जब आप उसका इनवर्स करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, दैट इज इफ ए लेस देन बी तो 1 ओवर ए जो है 1 ओवर ए वो हो जाएगा ग्रेटर देन 1 ओवर बी। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी एक्सरसाइज,
2.2 आप लोग करके आएंगे, क्योंकि यही वाली प्रॉपर्टीज है, सिर्फ प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं। एक्सरसाइज 2.2 में कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग समझें कि उसके कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 के वो वाले क्वेश्चन जो आप लोगों से ना हो सके वो मैं सॉल्व करा दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।